35 मिनट्स। वहां के वाइस चांसलर एक मेरे पास कहने के लिए मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई साहब इसके लिए क्या किया जाए। मैंने कहा कि हम बदल भी देंगे तो पढ़ाएगा कौन, करिकुलम हम बदल देंगे। देखिए क्वालिटी का एक तो पावरफुल डिटरमिनेंट हुआ टीचर, टीचर एजुकेटर, दूसरा हुआ स्टूडेंट, तीसरा हुआ करिकुलम। एनसीटी करिकुलम फ्रेमवर्क लाई, मैं करिकुलम कमेटी का चेयरमैन बना हूं और मेरे ऊपर बड़ा जोर था कि 2 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम कर दिया जाए और उसका करिकुलम बनाया जाए। और डीपीएड, बीएड और बीटीसी का तो 2 साल नहीं है तो बीएड का भी कर दिया जाए। तो इससे मैंने कई बार कहा कि 2 साल या 5 साल भी कर देंगे तो क्वालिटी का इससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मैंने काम किया, 2 साल वाला कोर्स लोगों ने बनाया और एनसीटी ने एक फ्रेमवर्क जारी किया है टूवर्ड्स प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। उसका टाइटल रखा ह्यूमेन। बात तो बहुत अच्छी है कि गुणवत्ता लाने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा, 3 P's, टीचर एज ए प्रोफेशनल, टीचर एज ए प्रैक्टिशनर एंड टीचर एज ए पर्सन। यदि तीनों क्वालिटीज आ जाए टीचर में और टीचर एजुकेशन में प्रोफेशनल क्वालिटीज भी बढ़ाई जाए, प्रैक्टिशनर की क्वालिटी भी बढ़ाई जाए एंड एज ए पर्सन एज ए मैन, यदि तीनों को ह्यूमेन उसी को है, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्यों की धरातल पर हमारी सारी जानकारी, हमारी सारी हुनर प्रतिष्ठित हो, मानवीय मूल्यों की धरातल पर, मानवीय संवेदना के परिप्रेक्ष्य में, when professionalization, when practicing of education takes place in the framework of what we are and what we feel for others, that empathetic understanding not only of the educands but all the people around them from where they are derived. तो पहला पैरामीटर हु टू टीच, दूसरा होम टू टीच, व्हाट टू टीच एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू टीच। इन टीचर एजुकेशन वी हैव कन्फाइंड फॉर ए नंबर ऑफ डिकेड्स टू ओनली 1 मेथड, लेक्चर मेथड। अब आप पूछें, अपने से पूछें, किसी से पूछें, क्या ट्रांजेक्शन, इफेक्टिव ट्रांजेक्शन पेडागॉजी में, आज की पेडागॉजी में जब हम टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो आजकल की पेडागॉजी में, इफेक्टिव पेडागॉजी में लेक्चरिंग से काम चल जाएगा। रिसर्चेज ये कह रहे हैं, शोध साक्ष्य ये बता रहे हैं कि देयर शुड बी मल्टीपल मेथड्स, देयर शुड बी मल्टीपल टेक्निक्स, not monologues but dialogues should be our watchword in improving, devising and effective pedagogy. How to teach? यदि आप खाली लेक्चर से पढ़ा रहे हैं बीएड वालों को तो वो भी बच्चों को लेक्चर से पढ़ाए। यदि आप खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बैठ के, और आप बैठ के पढ़ा रहे हैं तो वो लेट के सुनेंगे। ये तो कार्यक्रम में लगा हुआ है और आप लिख के तो वो आप लिख के क्या हाल हो रहा है। हम लोगों ने प्राइमरी स्कूलों में एक्टिविटी ये क्रियाओं और गतिविधियों पर आधारित ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम है अडॉप्ट किया है। मैं अपने फ्रेंड से पूछा करता हूँ कि खाली क्रिया आधारित कर देने से क्रिया आधारित शिक्षण या अधिगम नहीं होता, उसको उसके लिए कल्पना चाहिए, उसके लिए बनावट चाहिए, उसके लिए डिजाइन चाहिए और उस डिजाइन को आप तैयार करवाइए। अध्यापक उस डिजाइन को विद्यार्थी के सहयोग से तैयार करें और देखे वो प्रभावी पेडागॉजी बनती है। तो हाउ टू टीच, देन विद व्हाट टू टीच, दैट इज द फिफ्थ। विद व्हाट टू टीच,
क्वालिटी के पैरामीटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे पढ़ाते हैं ये, इसके लिए किस सपोर्ट से पढ़ाते हैं, आपके पास सपोर्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या है, आपके पास किस तरह के लैब, लाइब्रेरी और अन्य संसाधन हैं, विच कैन बी टैप एज लर्निंग रिसोर्सेज, वाइडनिंग लर्निंग रिसोर्सेज। आई थिंक विद व्हाट इज स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ टू टीच। ईटी का मतलब ये नहीं है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आप लॉट्स ऑफ गैजेट्स ला दें, गैजेटरी ला दें, गैजेटरी इज नॉट ईटी। Optimizing learning with the help of gadgets, that is it. अधिगम को optimize कैसे करेंगे, अधिगम को facilitate कैसे करेंगे, with the help of various gadgets, aids, that is it. And then, with what purpose to teach? What should be our purpose? जब हम क्लास में पढ़ाएं तो हमारा उद्देश्य क्या हो, सूचना देना, ज्ञान देना या विवेक विकसित करना या इनके अलावा भी कुछ और। शिक्षा का कार्य केवल सूचना देना ही नहीं है, शिक्षा का कार्य है रूपांतरण लाना, ब्रिंगिंग अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हमारे चिंतपूर्ण स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, व्यक्ति के अंदर वो निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा। जितने बड़े बड़े हमारे चिंतक रहे हैं वो उनका एक कन्वर्जेंस मोड है, वो यहाँ आके यही करते हैं कि जो पूर्णता है वो तो हमारे आप में है और उसको अभिव्यक्ति देना, यही शिक्षा का कार्य है। तो हमारा पर्पस होना चाहिए मानव निर्माण, शिक्षा मूलतः मानव निर्माण की प्रक्रिया, इट इज ए मैंडेटिंग प्रोसेस। अरविंदो ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, गांधी ने भी कहा और भी चिंतकों ने कहा, मानव निर्माण की प्रक्रिया। तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, खाली सूचना देना, परीक्षा पास कराना और ऐसी परीक्षा जिसमें ये हो अटेम्प्ट एनी फाइव क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यूपी में जब मैं वाइस चांसलर था तो गवर्नर को मैंने एक प्रस्ताव दिया, सारे वाइस चांसलर मेरे खिलाफ हुए, कह के आप काम ही नहीं बना रहे हैं, आप हम लोगों का जो भी कुछ मिल रहा है वो भी छीन रहे। हमने कहा भाई परीक्षा में कितना बजट है, तो कोई बता रहा था उस समय मैं 1989-90 में था वाइस चांसलर, तो उस समय परीक्षा का जो बजट था 4-5 लाख रुपये, तो स्वयं करके 17-20 लाख हो जाता है, तो सारे वाइस चांसलर चाहते थे कि 30 लाख कर दिया। मैंने कहा कि 2-2.5 लाख काफ़ी है क्योंकि उसमें पुलिस को लगाया जाता था।